व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं यहाँ पे कब आया था, 24 25 को मैं यहाँ पे टच हो गया था, एंड 25 के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। सो मेरे को ऐसे टेंशन नहीं था कि मैं सूरत पहुँच जाऊँगा अपने घर में, मतलब ये घर में। सो फिर मैं क्या वीडियो बनाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। और वही हो रहा है, मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है कि आपके लिए मैं डालूँ या मैं कुछ शूट करूँ। सो ये भी दिमाग में मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ करने के लिए भी है, कुछ शूट करने के लिए भी। तो जैसे जैसे अपना ऑटोमेटिक जो होता है वही डालता हूँ। जैसे आज बहुत टाइम हो गया, मतलब कब, मार्च में जिम बंद किया था मैंने, आज दिसंबर भी ये चालू होने आया है। सो दिसंबर का लास्ट दिन है वैसे ये। सो अब बीच में खाली एक बार जिम में गया था, तो ये रहा फोटो देख लो, आप देख सकते हो ये। सो खाली एक टाइम के लिए, एक बार के लिए गया था मैं। सो अभी मैंने गाँव में सोचा था कि मैं जिम स्टार्ट कर दूँगा सूरत आने के बाद, बट फिर यहाँ पर वापस पता चला कि भाई रात को लॉकडाउन हो जाता है। सो अभी पता नहीं है कि वापस ही दिन में भी लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। सो ऐसे बोल रहे हैं कि 1 या 7 तारीख के बीच में नई गाइडलाइन आएगी, उसमें पता चलेगा, बट वो आएगी तब देखेंगे। बट आज मैं जिम जा रहा हूँ, आज मैं सर से भी बात कर लूँगा क्या है क्या नहीं सीन है। एंड आज एक बोलते हैं फ्री चलता है, 1-2 दिन अपने नियम भरते तो वैसे अपने बोल सकते हैं, अपने रोजाना जाना जिम में हो गया। सो अभी कुछ 4 बजे एंड मैं सोच रहा हूँ कुछ 5 बजे या 6 बजे जाऊँ या 5:30 बजे जाऊँ। तो वैसे तो अभी मैं क्या कुछ नहीं कर रहा, अभी बस थोड़ी देर फ़ोन वगैरह मूवी वगैरह देख रहा हूँ। एंड जिम जाने से पहले मैं आज प्रोटीन भी मंगाना है, मेरे को शूज़ मंगाने हैं, क्लोथ्स है मेरे पास बट शूज़ नहीं है मेरे पास। सो कुछ बनाना एंड एप्पल ये सब मैं खा लूँगा के बाद में, यू नो थकान वैसा नहीं हो, चक्कर वक्कर नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हो, तो वहाँ एकदम बोल रहे हैं एनर्जी रहे मेरे में करने की। सो या खाऊंगा तब मैं मिलता हूँ, और फिर मैं निकलूँगा तब मैं मिलता हूँ। अभी बहुत बकबक कर ली मैंने, सो स्टे ट्यून, बाय बाय। सो ऑलराइट गाइस, अभी 4:10 या 4:15 समझ लो ना अभी हो गए। सो अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 5 बजे जाऊँगा। सो अभी आधा घंटा या 40 मिनट पहले मैं कुछ खोज लेता हूँ, मतलब खा लेता हूँ। सो वॉलेट में रुपये है मेरे, बट मन ऐसा हो रहा है कि साथ में भर दो 3 या कुछ महीने के, बट अगर वापस कुछ हो गया तो ऐसे भी मेरे 2000 नुकसान में चले गए ऑलरेडी जिम में, तो मैं नहीं चाहता कि ये और नुकसान हो। एंड ये मैंने बहुत मुश्किल से क्या बोलते हैं उसको इकट्ठे किए हैं अपने जिम के लिए, अपने जिम के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक प्रोटीन जिम के लिए सामान होता वो सब, तो इसमें इतने ही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इसमें ये जितने भी रुपये हो सारे वेस्ट हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके खर्चेंगे। इसको भी आपको भी दिखाता हूँ, मेरा ग्लव्स और ये सब तो मेरे एक्टिवा में ही है। सो बस मुझे अपनी बैग में शू डालना है एंड टॉवल डालना, बस इतना ही है। सो अभी चलो कुछ खा लेते हैं, एंड मैं कुछ 2 केले खाऊँगा, पूड़ी है वो खा लूँगा मैं, क्यों खाना नहीं खाया मैंने, एंड एप्पल खा लूँगा मैं। सो दही केला एंड पूड़ी दही, इतना तो हो जाएगा अपन ना। सो खाते वो क्या दिखाऊँ मैं, छोटे छोटे केले छोटे तो मैं शायद 2-3 भी खा सकता हूँ, मुझे पता नहीं। सो या मिलता हूँ अभी, बैग पैक करूँगा तब। सो अभी के लिए ओ सो ये देखो साइज, इतनी छोटी साइज है, एंड अपनी मैं बॉडी बता नहीं सकता अभी कैसी हो गई मेरी आदत, मतलब शर्म आ रही मुझे अपने खुद की बॉडी बताने में अभी भी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो कुछ नहीं रहा अभी, सब हो गया। सो अभी बहुत मैंने आपको बताया, बट मैंने ये नहीं बताया, अरे फ़ोन गिरना मत। सो मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी तक, तो सीधा मैं सोचा जिम के आने के बाद ही नहाऊंगा मैं। सो आपको 4 मिनट से मैंने कुछ अच्छा नहीं बताया, सिर्फ बोल कर रहा हूँ मैं। सो यार वो आप पक नहीं रहोगे, सो प्लीज़ देखते रहना, अभी आगे देखते रहना। खाना पीना हो गया है एंड एज एक्सपेक्टेड 4:30 से पहले खाना पीना हो गया, आधा घंटा है मेरे पास। सो तब तक मैं अपनी बैग पैक कर लेता हूँ, एंड क्या बोल रहा था मैं,
कुछ तो बोल रहा था, भूल गया मैं। घर पे कोई नहीं है, मम्मी पता नहीं कब तक आएगी। शूज़ ले लेते। मैं ये बोल रहा था कि मम्मी आएगी तो मम्मी ने बोला कि ताला तो लगा के जा रहा है, तो चाबी मैंने बता के रखी है, वहाँ रख देना। वो आपको नहीं बता सकता मैं। एक तो ये शूज़ थे, एक ऊपर है मेरे। वो मुझे पता नहीं अभी कहाँ है। वन सेकेंड, बैग खोल के आता हूँ। ये बैंड अभी तक यहाँ ही पड़ा है बैग में, मम्मी ने डाल दिया होगा वापस। बैग तो धुल गई बट ये अंदर ही रहेगा। ये बैग, हाँ ये बैग की बात कर रहा था मैं। ये बैग की आपने शायद पहले भी मेरी बात की हुई है, बट ये बैग ऐसी ही थी, मैंने अपने स्कूल टाइम पे ली थी और ये फर्स्ट बैग थी जो मैंने फर्स्ट ईयर की बैग ली थी। एंड मैंने इसको पढ़ाई से कम, पढ़ाई में ज़्यादा नहीं, स्कूल टाइम में कम यूज़ किया है। अपने ट्रैवलिंग में, अपने घूमने फिरने के टाइम मैंने इसको ज़्यादा यूज़ किया है, लाइक जिम में। मैं अपनी अपर बॉडी ज़रूर बता सकता हूँ थोड़ी सी, और इसके नीचे अभी मैं नहीं जा सकता बिकॉज मेरे को बहुत अभी ऐसा हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया लॉकडाउन में। मेरा टॉवल जिम का कहाँ है? ये रेडी। टॉवल भी रेडी है एंड शूज भी रेडी है, ये भी रेडी है, की रेडी है, वॉलेट रेडी है। बस मैं अभी मुँह हाथ धो के एंड 10-15 मिनट वॉक करके निकल जाऊँगा मैं। थोड़ा खुश भी हूँ, थोड़ा सा यू नो वहाँ पे जाके ऐसा होगा कि मैं अपने फॉर्म ना भर दूँ, क्योंकि मैं बहुत अंदर सो रहा है कि मुझे जिम जाना है, जिम जाना है। जब से मैं सूरत आया हूँ तब से मेरे दिमाग में ये है कि दीक्षित जिम जाना है, बट क्या कर सकते हैं, कंडीशन अभी ऐसी है। चलो मैं बहुत अभी पका रहा हूँ आपको। आज छोड़ने मार लूँगा, मैं सोच वहाँ जाके देखता हूँ। चलो हाँ, एक बात और बोलना भूल गया मैं। मैं आज ये बोतल भी कैरी कर रहा हूँ साथ में, अपना ये ARG 9 भी, और क्योंकि एक मेरे पास ऐसे ही पड़ा था। मैं सोचा ऐसे ही पड़ा तो यूज़ कर लेता हूँ मैं। जब तक मैं अपने घर में ये करता था मैं, तो भी मैंने मैक्स टू मैक्स पूरे लॉकडाउन में 2-3 या 4-5 बार ही लिया मैंने। अभी पड़ा तो है, चलो ले लेते हैं। एंड अब बस, अब बाय। जिम तो पहुंच गया बट यहाँ पे जिम में देखो काम हो रहा है। एंड सर ऊपर है, ऊपर भी कुछ किया सर ने, पता नहीं अभी काम चल रहा है। मैं पहुंच तो गया एंड बट एक दिक्कत ये है कि मतलब आप दिखाता हूँ मैं यहाँ पे करूँगा कैसे। मैं ये देखो वहाँ काम चल रहा है, सारे चीज़ें जो है उथर पुथर हो गई है वहाँ पर। ये वाला सेक्शन तो ऐसे ही है, खाली ये केबल जो वहाँ थी यहाँ आ गई। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं वर्कआउट करूँ कैसे, मुझको समझ नहीं आ रहा। ट्राईपॉड भी नहीं लाया मैं एंड दिक्कत हो जाएगी अब। चलो शूज़ वगैरह पहनते फिर स्टार्ट करते, देखते। मैं आउटर अगले दिन कर रहा हूँ, मतलब जिम में कल गया था एंड बाकी शूट मैंने कल किया है, आउटर में आज कर रहा हूँ। सीन ऐसा था कि मैं बाद में थक गया था एंड रात को लेट आया, मतलब लेट हो गया था, घर आया फिर मैं खाना वाना खाया फिर और लेट हो गया। फिर मैं सोचा आउटर पहले ही कर लूँगा मैं। यस, ये मेरा जिम था और जिम अभी सही से बन रहा है एंड प्लस अभी कोविड का भी सीन मतलब है, वो इतना एक्सट्रीम पे तो नहीं है बट है तो सही। और प्लस अभी
लॉकडाउन है, मतलब रात का दिन में होगा कि नहीं होगा पता नहीं। वो अगर हो गया मैं जिम में अगर भर रहा हूँ तो वो मेरे बेस चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मेरे पास इतने ही है, मतलब अपने जिम में इतने इन्वेस्ट कर सकता हूँ उतने ही, उनमें से एक रुपये भी यहाँ हुआ मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सोच के करना पड़ेगा जो करूँ मैं। प्लस ये शादी भी है मेरी 7 तारीख को दिसंबर में, 3 दिन उसमें भी मेरे चले जाएंगे क्योंकि रात को लॉकडाउन है तो मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। तो यार बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, उसके बाद जिम स्टार्ट करूँगा मैं। एंड प्लस मेरे एक साइड का शोल्डर भी दुख रहा है क्योंकि 2011-12 में मेरा हुआ था ऑपरेशन, उसके बाद से अभी तक मेरा पेन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो कुछ भी हैवी करता हूँ, कुछ भी ऐसे एक्सट्रीम पे करता हूँ तो इट्स पेन अ लॉट। सर ये तो कोई नहीं, जिम जाएंगे तो अभी चेस्ट बैक ऐसे वैसे तो दुखेगा, लेग बहुत दुखेंगे क्योंकि लेग मैंने बहुत टाइम से मारा नहीं। यस अब आप बताओ मुझे कमेंट में या इंस्टा में जाके कि भाई जा या नहीं जा। एंड ये भी बताओ कि मैं जिम के ऊपर ब्लॉग्स बनाऊँ या नहीं, बाकी आपको और देखने तो बस जिम के ब्लॉग देखने तो मैं प्लेलिस्ट में डाले हुए देख लेना या स्क्रॉल कर लेना, मिल जाएंगे आपको। वो वर्कआउट रूम के बट जिम के नहीं है, जिम का एक ही तो यहाँ पर डाल दिया ऑलरेडी मैंने। सो यस बाय बाय एंड आई डोंट नो आगे मैं क्या ब्लॉग करूँगा, बहुत टेंशन है मेरे को, बट ठीक है जो होगा एवरीथिंग हैपन फॉर रीज़न। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Like it or dislike it's on you.